मुंबई शहर हादसों का शहर। एक तरफ लक्ष्मी की दया, दूसरी तरफ सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई यूनिवर्सिटी, एक तरफ उफान आता समुद्र, दूसरी तरफ हरी भरी शांत गहरी पहाड़ियां, समुद्री शहर। सरकारें बदलती गईं, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। गरीबों को दाल रोटी खिलाना, मेहनत करने वालों को नौकरी मिलना, कुछ लोग व्यवसाय करना छोड़कर जींस टी शर्ट पहनकर अच्छे से जीने की आशा लेकर मुंबई आते हैं। शहर में बढ़ती आबादी से सभी परेशान हैं। समुद्र घटता जा रहा है, शहर के चारों ओर की जमीन पर कब्जा हो रहा है, समुद्र में भी गोलमाल हो रहा है। शहरवासी अपनी रक्षा कर पाएंगे या नहीं, समस्या बन गई है। दंगे बढ़ गए हैं, सेटलमेंट्स के लिए खून खराबा। इस वक्त सिटी में सेटलमेंट्स कब्जा माफिया पूरे जोर से कर रहा है। जनादेश समुद्र की तरह शांति से रहना चाहता है, लेकिन यहाँ हर दिन चौकन्ना करने वाले हादसों से सहवासी यही सोचते हैं कि न जाने आज कौन सी दुखद घटना का नजारा देखने को मिलेगा। मुंबई का सारा पानी यही रुक गया लग रहा है। सराउंडिंग को फुल्ली चेक करो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। एक बात सुनो, सभी पर नजर रखो, कातिल जो भी है यही रहकर सर्च पर नजर रख रहा होगा, किसी पर भी शक हो तो उसे तुरंत अरेस्ट करो। ओके सर। कम ऑन तुरंत लेकर जाओ।
हमें क्या करना चाहिए? आने दो। सर, डॉग स्मेल किया, एक जगह पर कार के टायर के ट्रेस आउट हुए हैं, आगे के निशान मिट गए। सर, सिटी में किडनी केसेस बहुत हो रही है, ये सब उसी वजह से हो रहा होगा ना? आवाम समझ रही है जैसे यहाँ कोई धर्म युद्ध नहीं है ना? सर, आपको किसी पर शक है इस मुद्दे पे? एक बात सुनिए, अब आप जो भी पूछेंगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। पोस्टमार्टम होने दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही बता पाऊंगा। मरने वाले 13-14 साल के बच्चे हैं, इस बारे में आप क्या समाधान देंगे सर? देखिए मैडम, आप सभी जैसे यहाँ आए हैं मैं भी आया हूँ, क्या हुआ है पूछे तो मैं क्या बताऊँ? इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आप लोगों को सब कुछ बता पाऊंगा। मतलब तब तक लड़कियाँ मरती रहेंगी? शराब, क्या कह रहे हो तुम? माइक पकड़ कर सवाल पूछना जानते हो, आगे जानते हो? सर, इस तरह इमोशनल मत होइए सर। I'm sorry. आगे से सिटी में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, उसकी जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की रहेगी, ओके? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सभी एरिया में छाया हुआ है, हमें क्या करना है कहने वाला इंस्पेक्टर नहीं है। इसी आदत से सभी शहरों का पानी पीकर मुंबई में कदम रखा है और आते ही शुरू हो गया। Hey, सुन, हमारे क्लब में आके हमी को मारेगा? एक फोन, एक ही घंटा, तेरी हवा निकाल दूंगा। सर, वेपन सप्लाई करने वाले को इंट्रोगेट करने के लिए जाल बिछाया तो इस लड़की को क्यों लेकर आए, इसका क्या संबंध है? ये उस गैंग की नस है। अगर इसकी नस यहाँ दबाएंगे तो वहाँ गैंग को दर्द होगा। दर्द होने के लिए मैं साड़ी पहनने वाली लड़की नहीं हूँ, पटाखा बॉम नाचने वाली नचनिया नाचू। सब के बारे में तू अभी अच्छे से नहीं जानती है। जा बे कुटिया, वो मेरा क्या कर लेगा, थोड़ी ही देर में मैं तो उड़ जाऊंगी। तेरी जैसी कबूतरियों के पर काट चुके हैं, सच कहोगी तो जिंदा बाहर जाओगी, नहीं तो तेरी गैंग को शो भी नहीं मिलेगा। सर, आइसक्रीम। सच सच बता दे तो मैं छोड़ दूंगा। Oh,
बात है, मुझे क्यों बुलाया है? क्यों गुस्सा आ रहा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे भी शूट कर दोगे। 10 का एनकाउंटर करके भी ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। तुमने किनका एनकाउंटर किया है मालूम है? स्टेट में एंटी एलिमेंट्स ग्रुप को हथियार सप्लाई करने वालों का। उन्हें चेज करते समय तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे तुम्हारी चिंता डीआईजी के से नहीं, एक बाप की हैसियत से। क्या होगा मुझे? उसका डर नहीं है। कुछ गलत हुआ तो मैं अपनी ड्यूटी मिस करूंगा, यही डर रहता है मुझे। मैंने जो कहा वो एक बेटे की तरह नहीं, एक इंस्पेक्टर की तरह है। लेकिन सिटी में इतनी पुलिस होने के बावजूद हर जगह के सारी प्रॉब्लम्स तुम ही क्यों निपटाओगे? स्पेशल ऑपरेशन कोड में 100 कैंडिडेट्स को ट्रेन अप करके ऑपरेशन अकेला किया तो ये गलत है क्या? वो काम 100 कमांडोज करेंगे। उसे तुम अकेले करोगे तो तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बस यही डर है। मेरी फिक्र छोड़िए, उनके हाथों कितने का कत्ल हुआ है, कितने लोग हैंडीकैप्ड हुए हैं। याद रखते तो आप ऐसी बातें नहीं करते। सॉरी, ये एक्सप्लेनेशन एक डीआईजी का नहीं है, एक पिता का है। बहुत जिद्दी हो गए हो। बनाने वाले भी तो आप ही हैं। तुम किस जोश में ऐसी बातें कर रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें रोकना मेरे बस में नहीं है। तुम्हारी स्पीड को रोकना है तो पैरों में बेड़ी डालनी होगी। मेरा कहना नहीं मानोगे? नो, पहले डॉक्टर की बात सुनो। दो। तुम नहीं मानोगे ना, पानी दो। ये लो मैडम। खा रही हूँ। चाओ अब। हैप्पी ना? गुड गुड। बाय मम्मी। सी यू मम्मी। बाय।
a new beginning, it's a new era. As the days, months, years go by, I get better and better. I'm aiming high, higher than the highest level. Phase one, phase two, phase three. ऐसे मार रहा जैसे बॉल आते ही छक्का मारेगा. बॉल डाल रहे बंटी. सॉरी भैया. देख कर गलो रे. डरो मत, कुछ नहीं हुआ. धन्यवाद बेटा. वेल डन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. इनकी मदद की वो तो ठीक है, लेकिन हमारे प्यार का क्या? क्या होगा? क्या होगा? प्यार करके बोर हो गया हूँ, शायद इसलिए शादी के बारे में सोच रहा हूँ. यही पूछ रहा हूँ तुमसे कि शादी मेरी कब होगी. सिंपल पोज, समझ रही हो ना? ऐसा क्या? लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लेकर बिहेवियर तक सभी मस्त है. वो ही इसके ससुर को पसंद नहीं है. प्यार करना बड़ों को पसंद नहीं है तो हमारा यूथ चुप बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा. उसलिए एक अच्छा सा दिन देखकर. क्या करोगे? ये कैसा प्रश्न है? घर से भाग जाएंगे. घर से भागने का आज ही अच्छा मुहूर्त. अरे अच्छा मुहूर्त तुम ही फिक्स करोगी तो कैसे होगा? देखो तो जरा क्या होने वाला है. आओ बताती हूँ, आओ ना. ये ड्यूटी है क्या? इसे भी अभी खराब होना था. ए, मारो तो. मैं कौन हूँ कहना पड़ेगा? मलिका, मलिका चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? डॉक्टर. तुमने लास्ट ईयर ही शादी की थी ना? सेकंड मैरिज इतनी जल्दी? उसका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया. नींद में भी श्वेता आई लव यू, श्वेता आई लव यू कह रहा था, इसलिए छोड़ दिया. इतना लव करने वाले को क्यों छोड़ दिया तुमने? क्योंकि मेरा नाम श्वेता नहीं गीता है. ओहो हो, उसने नाम बदल दिया तो तुम पति बदल रही हो. आजकल शादी बोले तो मजाक ही बन के रह गया है. तुम इसका नाम याद रखना बेटा. जाओ उधर साइन करके आओ. लाशरम है नहीं, शादी करने आए. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अब आगे बढ़ो और शुरू हो जाओ. रुको रे रुको, फाइल कहाँ है? दिव्या सत्या. या चेहरा भी ठीक है, स्मार्ट है, सब मिलाकर तुम्हारा नसीब भी अच्छा है. क्या बोर कर रहा है यार ये. हम तो अच्छे ही हैं. तेरा ऑफिस ही कोई अच्छा नहीं है. एसी है, चलता नहीं है, फैन भी है, घूमता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, निकालने के लिए बाथरूम नहीं है. ये कैसा ऑफिस है बुड्ढे? तुम्हें उत्तर चाहिए या बीवी चाहिए? दोनों चाहिए, पर जल्दी. लड़का तो ओवर स्मार्ट है. आप ही थोड़े स्लो देख रहे हैं, जरा फाइल देखिए ना. हाँ क्या काउंटर मारा है. नाम, रेजिडेंशियल प्रूफ, सब करेक्ट है ना? साइन कहाँ करना है सर? 10 मिनट रुको. क्यों, राहु का लेके आ? नहीं, लाइफ को धोखा है. ए, वो दरवाजा बंद करो. सीक्रेट मैरिज है ना, बाहर से कोई अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए. क्यों भाई, सही है ना? नहीं नहीं, अंदर से बाहर कोई भी जाना नहीं चाहिए, इसलिए. हमने ऐसी क्या गलती की? प्यार शादी तक पहुंच गया है ना? आप गलत कर रहे हैं. वही तुम्हारी गलती है. इस गलती की कीमत मैं इसके बाप से वसूल किया हूँ. प्लीज सर, मेरे ससुर जी आकर हम दोनों को जुदा कर देंगे. उसके बाद सर, उसके बाद पैग पर पैग लगाकर देवदास बन जाऊंगा. समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
क्या समझ रहे हो आप मुझे? इस तरह भाग कर शादी करने वाला कमजोर इंसान समझा है क्या? देखा है ना प्यार में कितनी ताकत है। वो देखो मिलिट्री वाला मामा आ गया, वो करवाएगा आप शादी। ए, अरे वो क्या करेगा भाई, तेरी तो? तुम्हारा मामा आकर सबको मार देगा। ए, चलो ना यार। सुन, चल चलो 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 यहाँ से, इसका सर फोड़ दूंगा। अरे छोड़ यार, रुको। नहीं सकती आप। खुल गया, चलो चलो चलो। कहाँ मर गए सब? नमस्ते साहब, क्या पियेंगे आप? तेरा खून। साहब आपका पावर क्या है उसको बता दिया, लेकिन उनके प्यार में कितना पावर है उसने ट्रेलर दिखाया। फिर क्या हुआ, शादी हो गई क्या? शादी तो रोक दिया हूँ, लेकिन उन्हें नहीं रोक पाया। सर अब आपने जो चेक दिया है वो चेक अकाउंट में डाल दूँ ना? डाल दो, लेकिन वो कहीं मिल गए तो मैं तुम्हें मेरे अकाउंट में डाल दूंगा। चलो ले। सर हम लोग प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप साइन कर देंगे क्या? अभी अभी एक साइन मिस हुआ तो ये हाल है। अभी अगर साइन की बात की तो सीधा ऊपर। जल्दी आओ मैडम, उस जीप का पीछा करो भैया। चलो चलो, बैठो बैठो चलो, हटो अंदर, पीछा करो चलो। कौन हो तुम? मेरे नजदीक मत आना। क्या चाहिए तुम्हें? मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। बचाओ! डॉक्टर ने सारा मूड खराब कर दिया। मेरी पर्सनालिटी के लिए सोमो बेस्ट है। ऑटो नहीं, लिफ्ट 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 लिफ्ट। तुम्हारे बाप के फॉलो तो नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। नहीं रुकेगा तो निकल शहर में, आकर एकदम खूबसूरत हो गई हो। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। अरे ये सब शादी के बाद करना। अच्छा शादी से पहले दहेज में दे सकती हो ना? वो सब पिताजी जाने। कौन वो बुड्ढा? नहीं चाहिए मैडम, तुम्हारा किस भी नहीं चाहिए, तुम्हारे बाप का किस भी नहीं चाहिए। कैसे गाड़ी चलाते हो भाई, देखकर गाड़ी चलाओ। गौरव तुम थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? आ यहाँ कर मैं। चतुमानं भवति शतायुष पुरुषतेन्द्रियं आयुष्यवत् प्रतिदेस्तिति नामधेयं शनिश्वर। छोटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले शनि सूर्य को ही प्रॉब्लम है क्या? यस। तो इसलिए ऐसे मरोगे क्या? बस में जाने के लिए पास नहीं, ऑटो में जाने के लिए पैसा नहीं, पैदल जाने के लिए ताकत नहीं, रेलवे गेट तक लिफ्ट चाहिए। आप लिफ्ट देंगे तो फिक्स हो जाऊंगा, आप हाँ बोले तो मैं तुरंत चढ़ जाऊंगा। क्या स्वामी क्या रे, सुबह सुबह तेरे बाप की सूरत देखते ही सब काम रिवर्स में जा रहे हैं। क्यों पंडित जी मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे सेम ऐसे ही मेरी घर वाली कहती है। मैं क्या करूं? नहीं नहीं कहने पर भी ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। इस सामान के साथ मैरिज करने गया तो वहाँ से दुल्हन भाग गई। सिंपल से पेरेंट्स ने सॉरी कह दिया। नहीं चाहते हुए भी इन थैलियों के साथ रोड पे खड़ा हूँ। देखिए आगे देखो तो कुआ, पीछे देखो तो खाई, जमीन नजर नहीं आ रही। दुकान वाले को पैसा नहीं दिया तो जान खाएगा, घर में पैसा नहीं दिया तो खाना नहीं मिलेगा। क्यों तुम्हारी पत्नी कोई पुराने जमाने की ललिता पवार है क्या? लेटेस्ट सिनेमा के लका 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 सनी लियोन टच किया सर। वैसी पत्नी के साथ तुम कैसे संसार बता रहे हो? बाप रे बाप, तुम्हारा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी हाँ सर। पंडित जी एक काम करोगे क्या? वो क्या है सर? तुम्हारे पास जो सामान है उसे हमारी शादी करा दोगे क्या? अरे रे 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 रे। चार्जर मिले तो सेल खरीदते, हेलमेट मिले तो बाइक खरीदते हैं, पंडित मिलने पर शादी करने वाले को पहली बार देख रहा हूँ सर। अब देख लिया ना? सर तो अब यही करेंगे। शुभेच्छा शीघ्रम। हमारी शादी यहाँ पर? हाँ बाबा यहीं पर हमारा शादी होगा। हार पहन लीजिए।
हे भगवान। पहले प्यार किया, फिर भगा कर लाए, फिर शादी की, अब इसके बाद क्या करेंगे? करीब आओ बताता हूँ। करीब आऊँ क्या? हाँ। अरे नारियल पानी दे रहे। ठीक है साहब। चंदू को फोन लगा के दे, उसे बात करना है। भाई ये लो। बहुत हो गया, फोन। ड्राइविंग करते समय फोन पे बात नहीं करते। हेलो, कौन? हेलो हेलो, मैं डॉक्टर संध्या बोल रही हूँ। कोई लड़की है, क्या मैटर है? इधर दे। हेलो सर, सर प्लीज सर, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनिए। हमारे घर में काम वाली का खून करके अनजान चार लोगों ने मुझे किडनैप करके यहाँ बांध रखा है। किडनैप किया है क्या? दया कीजिए सर, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए प्लीज। हेलो, किस चैनल से बात कर रही है? सर, मैं सच कह रही हूं। ये कोई कॉमेडी शो है ना? हम भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी में फंसे हैं, आप किसी और को फोन कर लीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज सर, फोन मत रखिए, फोन मत रखिए, मैं जो कह रही हूँ वो सच है, भरोसा कीजिए प्लीज। देखिए आप जो कह रही हैं वो सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मेरा ससुर 10 आदमियों के साथ मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। हम दोनों शहर छोड़कर भाग रहे हैं, हम हमारे टेंशन में हैं और इसी बीच में आपका फोन आ गया। देखिए मुझे जहाँ रखा गया है उस रूम का ये फोन तोड़ दिया गया है। मैंने उस टूटे हुए फोन का एक एक वायर कनेक्ट करके फोन किया है। पहले फोन आप ही को लगा। दया करके प्लीज फोन मत रखिए। कितनी देर तक बात करोगे इसे? रुको ना। देखिए मैडम, आपकी हेल्प करने की सिचुएशन में मैं हूँ नहीं, प्लीज दया करो और बख्श दो। हेलो, फोन मत कट कीजिए प्लीज। अगर तुमने फोन कट कर दिया तो दोबारा मुझे लाइन मिलेगी या नहीं पता नहीं, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। अरे हम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? फोन रखो प्लीज। आप समझते क्यों नहीं हो, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या? नाम क्यों बताइए ना प्लीज। नाम सत्या। अफड़ा क्या है? देखिए सत्या जी, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हूँ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे लाइफ के सिर्फ 10 मिनट्स मुझ पर वेस्ट किए ऐसे समझ लीजिए। मैंने कभी भगवान को नहीं देखा और ना ही मैं तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन इस वक्त तुम ही मेरे लिए भगवान हो, मेरी हेल्प कीजिए। सत्या जी प्लीज। तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो वहाँ किसी भी एक पुलिस स्टेशन में जाकर इंस्पेक्टर को फोन दे दीजिए, मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी। ओके मैडम, आपके लिए सिर्फ 10 मिनट ही मिलेंगे, रास्ते में जहाँ भी पुलिस स्टेशन मिलेगा वहाँ ये फोन देता हूँ, कंप्लेंट कर दीजिएगा। पुलिस स्टेशन जाएंगे? ऐसा क्यों, कौन है ये औरत? पुलिस की अत्याचार एमएलए को बेटा, मुंबई हिल जाएगी, अपोजिशन पार्टी का ऐसा ही, लेकिन सिटिंग एमएलए हूँ, मेरे इलाके में तेरी दाल नहीं गलेगी, समझ ले बेटा। तू सिटिंग एमएलए नहीं, चीटिंग एमएलए है, इसीलिए तो तेरे पिछवाड़े लात मारकर अंदर डाला है। तो सुन, जुर्म कैसे साबित करेगा तू कि मैंने जुर्म किया है? गवाह देने के लिए मर्द पैदा कहाँ से करेगा तू? ए गोविंद। सर। ए क्या किया रे? मर्डर सर। किसका किया रे? एमएलए का सर। ए कौन है रे? कौन है वो? शिवा, तेरा क्या कह सर है? बोल हरामी। रेप केस अजाब, ऑपोजिशन वाले लोगों को कोऑपरेट नहीं किया तो उन लोगों ने फंसा दिया। क्या कहा तूने? मार डालेगा क्या? बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? सारा शहर तुम्हें अच्छा पुलिस ऑफिसर समझती है और तुम मेरे खिलाफ भी झूठा सबूत इकट्ठा कर रहे हो। बेटा अच्छे लोगों के लिए अच्छा काम, तुम जैसे लुच्चे लोगों के लिए ऐसा क्रिमिनल स्टाइल का काम सौंपता हूँ। तू अभी बच्चा है, बाहर आने दे, फिर मजा चखाऊंगा। इसी पल अगर तुझे खत्म कर दिया तो मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि मैं लाइसेंस होल्डर राउडी हूँ। पुलिस की अत्याचार नहीं चलेगा। एक मिनट, मैं स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ। बंदर कहाँ घुस रहे हो? सर उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, बस एक छोटी सी कंप्लेंट कर ली, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। सर अभी टेंशन में, जाओ यहाँ से। सर आप समझिए प्लीज। ए, उसे अंदर आने दो। जाओ, तुम्हें बुलाया।
नमस्ते सर। पुलिस के अत्याचार नहीं चलेगा, एमएलए को छोड़ दो। पुलिस के अत्याचार नहीं चलेगा। डॉक्टर संध्या सर, उनका किडनैप किया किसी ने सर, लाइन पर है, आपसे बात करना चाहती है प्लीज। ये क्या बात हुई, किडनैप भी हुआ है और फोन के लाइन पर भी है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, इंस्पेक्टर स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर संध्या बात कर रही हूँ। सर, किसी अनजान लोगों ने मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा है। वो लोग कौन है, मुझे क्यों किडनैप किया है, मुझे कुछ मालूम नहीं। घबराइए मत मैडम, आपको कहाँ से किडनैप किया है एड्रेस बताइए। एसवी क्लिनिक, लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। ये पकड़ो, शायद कोई आ रहा है, मैं बाद में फोन करूंगी। चार्ज। कहाँ पर है तेरा मर्द, कहाँ छुप कर बैठा है वो? आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? डर मत, डरने की जरूरत नहीं है। तेरे पति को भी यहाँ लाकर टोटली बोल, कहाँ है तेरा पति? लव मैरिज हुई है, शायद इसलिए प्यार में मरना चाहती है। तेरा पति मेरे साथ आँख में चुली खेल रहा है और मैं उसके साथ आँख में चुली खेलूंगा। ए, तुझे एक बेटा है ना? नाम उसका है, उसका नाम क्या है? राहुल। राहुल, 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 लिंक रोड लिटिल एंजल स्कूल, थर्ड क्लास में पढ़ रहा है। टाइम क्या हुआ रे? 12 बज रहे हैं। 12 बजे लंच टाइम है ना? तेरे बेटे को उठा कर आता हूं। बाय। ए नहीं, ए मेरे बेटे को कुछ मत करना, वो छोटा बच्चा है, उसे कुछ मत करना। ए, मुझे स्कूल जाना है, कोर्ट खराब मत कर, चल हाथ हटा। थैंक्स। सत्या लाइन में होना, तुम उससे पहले वहां पहुंचकर मेरे पति को बचा लेना, वरना वो हम सबको मार डालेगा। बचाओगे ना तुम? बताओ ना। बचाऊंगा, पहले ये बताओ किस ट्रेन से आ रहे हैं? बोकारो एक्सप्रेस। कम ऑन फास्ट। ऑटो खाली नहीं है सर। मेरा नाम जानकी रानी, डॉटर ऑफ केशव पाटिल। हाँ, मैं ना भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ और वो मेरे शक्ति हैं। हाँ, सभी से प्यार करती हूँ और जो मुझसे उलझता है मैं उसका गर्दन काट देती हूँ। मुझे गुस्सा नहीं आता लेकिन आने पे जाता नहीं। आप तो हिंदी अच्छा बोल लेती हैं। हाँ, आपका गांव कौन सा है? नागपुर की बेटी हूँ, नाना का घर नासिक में है और मेरा ससुराल इस मुंबई शहर में। थैंक्स मैडम। वैसे तो औरत सिर्फ रसोई घर में ही नहीं रहती बल्कि मर्दों के साथ कंधा मिलाकर डटकर दुनिया के मुकाबला करती है, उसमें कोई शक नहीं। हैट्स ऑफ। थैंक्स गोपाल रस्तोगी। मुंबई से कैमरामैन अविनाश के साथ प्रसाद, TV9। दीदी 10 रुपया जोड़ना। हाथ पैर तो सही सलामत है, भीख क्यों मांगता है? पीने के लिए। पियोगे तो पैसे खत्म होंगे ही ना? फिर मांग लूंगा ना दीदी। अबे पहले पिएगा फिर भीख मांगेगा तेरी तो? नहीं देना तो मत दे, मारती क्यों है? मारा है ना। अच्छा भाई, कितना लोगे? 10 रुपए चलेगा मार खाने के लिए? 10 रुपए दियो ना। ये लो 50 रुपए, क्वार्टर दो ना। अरे बाप रे, ये ले फुट ले। अरे 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 यार, यहाँ या, कुछ भी नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ देखते हैं। कहाँ मर गया रे तू? माली नहीं है भाई साहब, जाओ। ए सुन, दुकान में माल नहीं, ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ उन लोगों को? सब्र का फल मीठा होता है, ये बोल दीजिए।
क्यों रे, तू मुझे सिखाएगा? अरे नहीं दीदी, सामने लॉरी पर लिखा हुआ है, असल में ट्रैफिक में फंस गया हूँ, लिंक रोड पर हूँ, आ रहा हूँ। तो फिर जल्दी आ, नहीं तो सब भाग जाएंगे। एक क्वार्टर दीजिए ना। अरे आ ही रहा होगा, लेने गए। अरे मत जाओ बेटा। अरे सुनो, शांति की बात सुनो, माल आ रहा है, जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। मुझे जाने दो। वो देखो लेके आ गया है। अरे अरे तू गाड़ी बंद मत कर, फिर से धक्का देने के लिए लोगों को बुलाना पड़ेगा, चले। अरे अरे आजा मेरे राजा। अरे पहले माल उतार, सब ग्राहक जा रहे हैं। पहले शराब मेरे गले से उतरेगी, फिर गाड़ी से उतरेगी। अरे दीदी, 5,000 जेब में आते गाड़ी फाइनेंस करा के रोड पे ट्रक। पहले माल उतार, सारे ग्राहक जा रहे हैं राजा। अरे दीदी, बांद्रा स्टेशन, योगेश्वरी, गोरेगांव, इन सब जगह माल लेके आना पड़ता है। बैठा कहानियां बताता रहेगा मुझे। डबल मामूल देना पड़ता है। उतार माल, जल्दी आओ। सुनो सुनो, अभी थोड़ी दूरी है, अरे उनसे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा, प्लीज चलो। ओ भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। इधर आओ, बैठो। अरे पहले माल उतार, फिर पीते रहना, भजिया पकौड़े खिला दूंगी तुझे। गाड़ी रोक। अरे मेरी दीदी के हाथ लग गया ना, तो मैं समझ ले तेरा क्या हाल होगा। उधर भीड़ में उसे ढूंढेंगे कैसे? हेलो, तुम जल्दबाजी में उन लोगों से डायरेक्ट झगड़ा मत करना, उन्हें बचाने के लिए जो भी कर सकते हो संभल कर करना, जल्दबाजी में कुछ मत करना। अगर उन्हें पता चल गया तुम उन्हें फॉलो कर रहे हो, तो वो मेरे पति को, मेरे बेटे को, मुझको। ठीक है भैया, बोकारो एक्सप्रेस यही प्लेटफॉर्म, 3 नंबर प्लेटफॉर्म में साहब। चलो सत्या, क्या हुआ सत्या? निधि तुम यही ठहरो। सत्या कुछ तो बोलो। Ah!
मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। शूट हिम, शूट हिम, शूट हिम, शूट हिम, शूट हिम, मारना। इसने मुझे गोली मार दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सर, क्राइम ब्रांच, भागने की कोशिश कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहा हूँ। देखा सत्या? हाँ, देखा। एक बार सत्या, सिर्फ एक बार उन्हें फोन देना प्लीज। अब उन्हें फोन क्यों दूं? मेरे पति को किडनैप करने जा रहे हैं, उन्हें बचा लो। कहा उन्हें किडनैप नहीं किया, अरेस्ट किया है। हाँ? अरेस्ट कर लिया? What do you mean? अरे वो सब पुलिस वाले हैं, उन लोगों ने तुम्हारे पति को अरेस्ट किया है, मतलब तुम्हारा पति बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उन्हें बचाने गया तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। सत्या तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, फोन रखिए प्लीज। सत्या लाइन कट मत करना, मेरे पति क्रिमिनल नहीं है सत्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। हाँ तो फिर क्यों अरेस्ट किया है? सत्या मैं जो कह रही हूँ सुनो, मेरे पति क्रिमिनल नहीं है, और अगर वो लोग पुलिस वाले होते तो मुझे क्यों किडनैप किया उन्होंने? बोलो पुलिस स्टेशन में जाकर इंक्वायरी करो ना प्लीज। पुलिस ने अगर ये जाल बिछाया होगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं क्रिमिनल की पत्नी नहीं हूँ सत्या, थोड़ी सी और हेल्प कर दो। अगर तुमने हमारी हेल्प की तो हम सबकी जान बच जाएगी। अब तुम ही हो जो हमारे लिए कुछ कर सकते हो, तुम्हें हमारे लिए भगवान हो। पुलिस की बात पर मुझे भरोसा है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद लग रहा है तुम भी झूठ नहीं बोल रही हो। डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ए, ए, इसमें क्या है? ए, क्या हुआ सत्या? अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी मिल गई। हे देवा मेरी गाड़ी। राजा गाड़ी के पास इतनी पुलिस क्यों? एयर की बोतल के लिए खड़े होंगे। ऐसा क्या? अरे हमारी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी है साहब जी, मेरी गाड़ी। अरे मिल गई मेरी गाड़ी। इसमें लाखों की शराब है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके कहाँ गया था? इसमें खाली बोतल है सर। हाँ खाली। तो फिर यहाँ क्यों पार्क की है? सॉरी सर, सॉरी, नहीं मालूम था इसलिए खड़ी करके चले गए। अरे यहाँ क्यों खड़ा कर दिया सर? गलती हो गई सर। चलो 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 चलो, धक्का लगा। मैं धक्का कहाँ मार रही हूँ, मैं तो एक्टिंग कर रही हूँ। हाँ और जोर से साहब जी। ऐसा करते हम लोग इन दोनों का पीछा करते। हाँ, पुलिस को बुला। ये लो। हेलो, कहाँ मर गए हो तुम सब? हाँ। कोई पागल सर फिरा मेरा मोटरसाइकिल लेकर घूर हो गया है लड़की के साथ, और पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तुम लोग भी यहाँ पे आ जाओ, जल्दी करो। देखो ना हमारे मोटरसाइकिल लेके भाग गए। सर डीआईजी ऑफिस से एक कवर आया है, यहाँ पर रख दो सर। हेलो, मैं ही बात कर रहा हूँ बेटा। बेटा सुबह से कॉल कर रहा हूँ, बहुत बिजी हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं, आज सुबह एक लड़की को अरेस्ट किया था। वेल डन माय बॉय। मैंने एक कवर भेजा है, देखे कि नहीं? अभी नहीं देखा है पिताजी। नहीं देखे हो तो देख लो बेटा, उसमें क्या होगा मैं जानता हूँ ना। जानते हो तो फिर क्यों? प्रिया के बर्थडे के दिन क्या कहा तुमने, इस साल के भीतर ही शादी करूंगा कहकर प्रॉमिस किए हो, याद है ना? अभी तक तो याद आया नहीं। मेरी बात सुनो, प्रिया किसको भाभी बनाना चाहेगी वही डिसाइड करेगी। हम उसे देख कर आए हैं, उस लड़की का नाम विनीला, नाम के मुताबिक ही खूबसूरत है। ठीक है, प्रिया से बात करता हूँ। पुलिस मैन ज्यादा सोचो मत। ओके पिताजी। Look!
दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों रे, कहां से यहां आकर सेटलमेंट्स करेगा बेतू? तेरा भाई क्या दुबई में छिपा हुआ है? मुझे छोड़ दो, वरना मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर जुर्म करे तो भगवान को भी नहीं छोड़ता है ये गुरु। सर इसे खोल दें क्या? खोल दो। इडियट। सर। क्या हुआ जानकी भाई, क्या बात है? तुम्हारी शराब की दुकान मेरे एरिया में नहीं है ना? क्या बताऊं, ग्राहक मेरे एरिया में और कंप्लेन आपके एरिया में। मुंबई शहर में कहीं भी कुछ गड़बड़ होगा तो लोग तो आप ही के पास आते हैं न्याय मांगने के लिए। क्या हुआ बताइए तुम? वो कौन था पता नहीं आकर हमारी 8 लाख की शराब की गाड़ी ले गया, पता नहीं कौन था। उसके साथ कोई और है क्या? 6 लाख का सामान था उस गाड़ी में साहब। उस लड़के ने शर्ट पहनी थी, वो रंग कौन सा था? पीला रंग, पीला रंग। हाँ, पीले रंग का शर्ट पहना था। और पीले रंग की शर्ट। सर, इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। मेरी बेटी को एक पागल आवारा लेके भाग गया। आप? मैं मिलिट्री मेजर हूँ सर। आप मेजर हैं मिस्टर, लेकिन तुम्हारी बेटी? मेरी बेटी उम्र में मेजर है और मैं मिलिट्री में मेजर हूँ। लड़की को किडनैप किया है क्या? किडनैप बोले तो इसमें छोटा सा ट्विस्ट है सर। क्या है? मेरी बेटी उस लड़के से प्यार करती है। तो ऐसा नहीं कहते कि वो लड़की को लेकर भागा, लड़की और वो दोनों भाग गए। उसे तुम जानते हो क्या? बिल्कुल सर, मुझे पता है, मैं लेकर आया हूँ, ये देखिए। तुम सुबह से पूरी मुंबई में दौड़ रही हो ना, इसे कहीं देखा है क्या? देखो। अरे ये तो वही है जो सर, सर यही है सर, वो चोर यही है सर। सर आपको भी मारा क्या? नहीं मारा। आपकी भी गाड़ी लेकर भागा? नहीं जी। आपकी भी बेटी लेकर भाग गया? नहीं भाई, मेरा चार्जर लेकर भाग गया सर। क्या? सेल चार्जर। सेल का। देखिए सर, देखिए सर, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ लेकर भागा है, उसको तो आप फौरन पकड़िए। इधर दिखाओ सर। राइटर कंप्लेंट्स लिखो सर। जाइए। थैंक यू सर। सर प्लीज, उन लोगों के सामने ही लेकर गया है सर, मेरी जान से बढ़कर मेरी बेटी है सर, प्लीज सर कुछ कीजिए सर। ओके ठीक है, थैंक यू सर। इतने सारे लोगों को कंफ्यूज करके भी मेरे पास कंप्लेंट किया, बोले तो तुम यार कैसे? ये नहीं बताने वाला, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा। समझदार बेटा, खूबसूरत पत्नी, डॉक्टर का पेशा छोड़कर तू सीआईडी का काम क्यों कर रहा है? चल बोलो कहाँ रखा है? तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तू नहीं बताएगा, एक छोटा सा ऑपरेशन तेरा, तेरी पत्नी का। हट। छोड़ो मेरी बीवी को। क्या हुआ? सिर्फ छूने से ही तो चिल्ला रहा है। अब इसके बाद रेपिंग, उसके बाद न्यूज, फिर टीवी में फ्लैश। इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ने के बाद आत्महत्या। समझ में नहीं आ रहा है ना? बताता हूँ, एप्पल के जैसे रस वाली तेरी पत्नी के टुकड़े टुकड़े तुझे ही करने पड़ेंगे। तेरा पति ट्यूबलाइट के जैसा है। खूबसूरत सी पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए डायरेक्ट तेरे पास ही भेजूंगा। मैं तेरी जान ले लूंगा। क्यों नहीं है? हमसे ज्यादा बहुत जरूरी है क्या? संध्या, इन कमीनों के आगे कुछ मत कहना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हें डरा रहे हैं। जब तक तुम इनको कुछ ना बताओ, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ठीक है, अब ये बच नहीं पाएगी। चल बोल 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 बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। लगेज रूम, सीएसटी स्टेशन। पहले ही बताता तो ये सब नहीं करता ना। चल। सत्या, वो सब ये क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब सुन चुका हूँ, समझ भी गया हूँ, क्या करना है वही करूंगा। बैठो। कहाँ नहीं ढूंढा तेरे को, रजिस्टर ऑफिस के बाद यहाँ पर मिला है तू, फोन तो एंगेज है। कितनी टेंशन में हम जाते हैं। अरे वो सब बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है।
निधि तुम इनके साथ जाओ, मैं बाद में आकर तुम्हें पिकअप करता हूँ। अरे निधि का ध्यान रखना। ठीक है, संभल के जा सकते हैं। अंकल हमें फोटो निकलवानी है। ओहो ये क्या, तुम्हारी शक्ल बिगड़ी हुई है? हा? जाओ जरा पाउडर से टचअप कर लो, फोटो बहुत अच्छा आएगा। हेलो, मैं राजू बोल रहा हूँ। यहाँ पर 3 स्टिल्स आई है, प्रिंट बहुत अच्छा निकलेगा, तुम जल्दी आ जाओ। सर, इंक्वायरी के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आने में 30 मिनट लगेगा, तब तक स्टेशन में ही रहना। ओके सर। साहब मेरी बेटी नहीं मिल रही है साहब, कैसे भी कीजिए उसे ढूंढ निकालिए। क्या हुआ बाजी, कुछ तो बताइए मुझे। साहब सुबह सुबह वो स्कूल चली गई, अब तक वापस नहीं आई। ढूंढते हुए स्कूल गई तो पता चला कि अब तक 4 लड़कियां स्कूल से लापता है, और दिल दहला देने वाला समाचार भी सुना है। साहब हम अभी अभी नागपुर से आए हैं, न जाने किसने मेरी बेटी को मुझसे जुदा कर दिया। दया कीजिए साहब, मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए। साईं राम सर, इनके साथ स्कूल जाकर सारी घटना की डिटेल्स कलेक्ट कीजिए। सर बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके सर। ओके सर, आइए माँ जी। आश्चर्य की बात है, दरवाजा खोलो डॉक्टर। क्या है डॉक्टर? मशीन में काम करते वक्त इसका हाथ कट गया है, जरा देख लीजिए। इधर नहीं देख सकते, तुम लोग नजदीकी हॉस्पिटल में आ जाओ, वहीं देख लेंगे। नहीं है, नजदीक में कोई हॉस्पिटल नहीं है, खून बहुत बह गया है, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो मर जाएगा। देखो भाइयों, तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसे डॉक्टर मैं नहीं हूँ, डॉक्टर बाहर गए। देखो जान को खतरा है, इससे अच्छा कि तुम लोग नजदीकी हॉस्पिटल में जाओ। जाओ सर, आपके शक के मुताबिक वो डॉक्टर नहीं है, वो कह रही है डॉक्टर गाँव गया हुआ है। इस एरिया में जो भी शक के दायरे में आते हैं उन्हें चेक करो, मैं उसके घर को कराता हूँ। संध्या कहाँ है? बोलो बोलो। क्या ढूंढ रहा है? कोर्ट में रखकर पैड में ढूंढ रहा है ना? ये इधर ये लीजिए। इस नंबर का बैग देना। चल रुक जा।
ए, इस पर ध्यान रखना। एनी प्रॉब्लम? एक खूनी बचकर भाग निकला। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ओह, तुम यहाँ कैसे? वो एक कॉम्प्लिकेशन केस में हूँ सर। उसके लिए कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ। तुम भी कॉम्प्लिकेशन केस में फंसे हो? क्या बात है? आज सुबह डॉक्टर संध्या का किडनैप हुआ है, ऐसी कंप्लेंट आई है। इंक्वायरी के लिए उनके घर गया था। वहाँ पर जो मुझे मिला है वही एविडेंस है, सेल फोन। इज इट? इसीलिए कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, डीआईजी तुम्हारे पिताजी है ना? डरो मत। ऑल द बेस्ट। Carry on. Thank you, sir. Dangerous fellow. Boss, पुलिस को हमारे गैंग्स के बारे में पता चल गया है। गुरु जैसे ही कैसेट लेकर आता है, उसे खत्म कर दिया जाए। गुरु की मैं समाज ही बनाऊंगा। वो लड़का कैसेट लाने के बाद जा तू यहाँ से। मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। Thank you.
मैं डॉक्टर विश्वनाथ, मैं केजीआर हॉस्पिटल में डॉक्टर के हैसियत से सर्विस करता हूँ। ये मेरे हॉस्पिटल का नजारा है, जो बच्चे किडनैप के बाद ये वाकया हुआ था उस दिन की तस्वीर है। मामला इतना सीरियस था कि हॉस्पिटल में एक के बाद एक मरीज आते गए। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए, इनको हटाइए, प्लीज आप शांत रहिए, क्विक, जल्दी हरिया अंदर जाओ, जल्दी क्विक। सिस्टर इंजेक्शन लाओ जल्दी। सांस लेने की कोशिश करो। इसका पल्स रेट कम हो रहा है डॉक्टर। डॉक्टर इंजेक्शन ले आओ जल्दी। लीजिए। नो। लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? पूरा शहर परेशान है सर, क्या बताना चाहते हैं? ऐसी परिस्थिति में ट्रीटमेंट चल रहा है, मालूम नहीं है क्या तुम लोगों को? आप बताते क्यों नहीं, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? डॉक्टर, रिपोर्ट देखने के बाद मर गई सभी लड़कियों का रेप और मर्डर हुआ है। रेप एंड मर्डर? यस डॉक्टर। पर इनको देख के तो ऐसा नहीं लगता। डॉक्टर, इन लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बी केयरफुल। ओके डॉक्टर। हेलो डॉक्टर विश्वनाथ। या तुम अभी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो किसी लड़की को बचाने की कोशिश मत करना, उसके लिए जितना मांगोगे उतना मिलेगा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिर्फ भोक्ता नहीं, काटता भी हूँ। जो कहा वही सिर्फ सुनो। तुम बाहर जाओ, वहाँ खड़ी पुलिस से ही मैं अपना काम करवा लूंगा। रख दो फोन। डॉक्टर, इस लड़की की नब्ज आ रही है। डॉक्टर, पुलिस वाले सिचुएशन इन्फॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, आप सब लोग बाहर जाइए। ओके सर। मिस्टर, मिस्टर। डॉक्टर, मेरी कार के डैशबोर्ड में मेरा हैंडीकैम है, जरा ला देंगे? ओके डॉक्टर, प्लीज। बोलो बेटी, बोलो। बड़े साहब के बंगले में हम सब खाना खिलाएंगे कह के बुलाया था। मेरे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे। बहुत लोग आके बोला कि डॉक्टर से चेकअप करे। वो जगह कहाँ पर है बेटी? Thank you.
चॉकलेट नहीं चाहिए, उस अंकल जैसे नहीं है। ये अंकल बहुत अच्छे हैं, प्यारी सोने की चिड़िया, मेरी बात मानेगी ना? चल बेटी। मैं नहीं जाऊंगी। ए, नाटक मत कर, चल, ए, चल, 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 बहुत हो गया। नहीं, चल, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगी। नहीं, चल, छोड़ दो, चल, छोड़ दो। कुछ साल पहले यूपी, बिहार, दिल्ली से लड़कियों को किडनैप करके लाते थे, अब हमारे ही राज्य से शुरू किया है। मैनेज करना मेरे बस की बात नहीं है। सिटी में है सो सभी पुलिस स्टेशन में, और तो और कमिश्नर ऑफिस से लेकर डीजीपी के ऑफिस में भी मिस हुए 100 लड़कियों की कंप्लेंट पहुंच रही है, चैनल पब्लिसिटी कर रही है। हम ये काम कुछ समय के लिए रोक देते हैं, अगर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो जरूर पकड़े जाएंगे। कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन समझा है क्यों? मैंने न जाने कितनी मुसीबतें उठाकर तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाया, ये सुनने के लिए इडियट। एक क्राइम हो तो छुप सकते हैं, ड्रग्स, ब्राउन शुगर, वेपन सप्लाई, ऐसे हर किस्म के क्रिमिनल ऑफेंस हम लोग बहुत से कर रहे हैं। एटलीस्ट इन लड़कियों का बिजनेस तो बंद करते हैं। वेपन सप्लाई करते हैं तब लड़कियों का भी सप्लाई करना जरूरी बनता है ना? उसके लिए शहर में बहुत सारी कॉल गर्ल्स हैं, उन्हें छोड़कर इन छोटी बच्चियों को ले आकर ये करना। कैमरा से वहां पर शूट कर रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जैसे भी हो वो लोग मुझे ढूंढ के मार डालेगा जरूर। इस हालत में जिसके हाथ में ये एविडेंस लगे वो किसी भी तरह कोर्ट में इसको प्रोड्यूस करें और लीगल एक्शन ले। न्याय के नजरिए से तुमने जो गलती की है उस पर एक्शन लेनी होगी। तुमने एक लेडी कांस्टेबल को शूट किया है। अगर मैं उसे शूट नहीं करता तो इस वक्त आपके सामने ऐसे जिंदा नहीं बैठता। उस वक्त शूट करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है ठीक है, तुम छोड़ दो, मैं देखता हूँ। नहीं सर, संध्या नाम से हमारे डिपार्टमेंट की ऑफिसर वहाँ क्यों रहने लगी थी? मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर इस केस में इन्वॉल्व है। हाँ ऐसा है, इस विषय के बारे में ज्यादा मत सोचो, इस मैटर को मैं हैंडल कर रहा हूँ, यू मे गो नाउ। ओके सर। गुरु, इस केस के बारे में बाहर कहीं डिस्कस मत करना। यस सर। गो। कमिश्नर ऑफिस, आप पीछे बैठ जाइए। स्पीड से चलिए भाई साहब।
कि इस काम से आई हो? पर्सनल काम से? थैंक यू। ओके। सर सर रुकिए। हेलो हेलो इधर आ, बैग को दिखाओ, इधर लाओ, साहब से मिलना है, चेक करना है मुझे। Excuse me, if you don't mind. देख कर चल सकती हैं आप, किसी से मिलना है क्या? Yes sir, urgently commissioner साहब से मिलना है, उनके केबिन कहाँ है? वो नहीं है, कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं। क्यों इतना टेंशन में हो, क्या कोई प्रॉब्लम? किसी हायर ऑफिसर से मिल सकती हूँ? DCP साहब हैं वहाँ, सीधे जा करके राइट टर्न लीजिएगा। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं एसआई बात कर रहा हूँ। आपके कहे अनुसार मैं तुरंत स्कूल जाकर इंक्वायरी करके आया हूँ, तभी एक मैसेज आया है। क्या है सर? अगर इस घटना को देखा जाए तो ये कोई बड़ी गैंग का किया हुआ काम नहीं है सर, पुराने क्रिमिनल का ही किया हुआ काम है सर, मेरे समझ में आ रहा है। सच क्या? सारे पुराने क्रिमिनल्स की सारी डिटेल्स मेरे ईमेल पर मेल कर दो। ओके सर। सर DCP साहब से मिलना है। अंदर बात चल रही है, वेट कीजिए। साहब से नहीं मिलोगे? तुम्हें किडनैप करके कहां रखा गया था वो जगह दिखा सकती हो? बता सकती हूं सर। मूव। सर जरा पेन दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अरे रम पी कर नहीं चला रहा हूँ मैं, रंबा के साथ बीच पर जा रहा हूँ। समझते ही नहीं। अब बात कर। कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। दोबारा बाइक चलाते हुए सेल पर बात करेगा तो इस कान से भी बहरा हो जाएगा, चल जा। ओके सर। सुबह ऑटो में जो मिला था उसे पकड़े तो इस डॉक्टर केस में क्लू मिल सकता है। इसलिए ऑपरेशन करके एस्केप हो गई। ए, ए, क्या हुआ था? क्या हुआ? तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था। कैसे भाग गई वो? कैसे भाग गई वो? कैसे भाग गई वो? बोल जल्दी। संध्या। तुम्हें किडनैप करने वाला ये है? नहीं सर। या फिर ये है? ये नहीं सर, ये मेरे पति हैं।
सर इसने मुझे किडनैप किया था, इसने मुझे किडनैप किया था सर, इसे अरेस्ट कर लीजिए। ये है। हाँ सर। इसने तो तुम्हें अब तक जिंदा रखा है, इसकी जगह अगर मैं होता तो तुम्हें देखते ही गोली मार देता। संध्या, संध्या तुम मेरी फिक्र मत करो, ये भी उसी के साथ मिला हुआ है। क्यों एसीपी, इसने डायरेक्ट मेरे पास आकर कंप्लेंट कर दी, इसलिए तुम बच गए। ये अगर कमिश्नर के पास जाती तो हा? मैं दूसरे ऑपरेशन के लिए चला गया था, ये इनका ऑपरेशन करके भाग गई थी, लेकिन फिर से हाथ आ गई। ठीक है कैमरा लेकर भागने वाला मिला, चेस किया हो, भाग गया साला, अब वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आएगा। बेल बज रही है, देखो कौन है। हेलो, कौन है? मैं कैमरा बात कर रहा हूँ। कैमरा बात कर रहे हो, कौन सा कैमरा? अबे मेरा कैमरा। ए जादू। ए ऑर्डर मत दे बे, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन और देख। एक छोटे से कैसेट में तेरा सारा मैटर कैद है, चैनल में दिया तो समझ, तो समझ तुम सबका लाई फटाश। ए जादू मेरी बात सुन, तुझे कितने करोड़ चाहिए मैं देता हूँ, लेकिन वो कैसेट मुझे दे दे। ए भड़वा गिरी से कमाया तेरा एक रुपया भी नहीं चाहिए मुझे। तू जो डॉक्टर की फैमिली को किडनैप करके रखा है ना, उन्हें और तेरी कस्टडी में जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें छोड़ दे, तेरी भड़वागिरी का कैसेट तेरे हवाले कर दूंगा। तो फिर मेरी जगह पर आ। तेरे जैसी डेढ़ होशियारी मैं नहीं करता। तूने मुझे पागल समझा है क्या? सुन, ज्यादा पब्लिक है तो दादर स्टेशन के पास आ, मैं भी आऊंगा, ठीक है? ब्रोकर पुलिस साले। इस केस की कोई भी प्रोफाइल मैच नहीं हो रही है। घर ले चलो, इसकी खातिरदारी करूंगी।
थैंक्स। मैं मेरी लाइफ में एक टाइम का खाना खाने के लिए 10 करोड़ भी खर्च कर सकता हूँ। तुझे तो संसार में किसी को भी दुख देना अच्छा नहीं लगता, तो तू मुझे क्यों दुख दे रहा है? वो कैसे मुझे दे दे जल्दी से, वो कैसेट मुझे जल्दी दे दे, दे मुझे। ए जादू, सुबह से बहुत आँख मिचौली खेल चुका है तू। अगर मैं होता तो तेरे हाथ पैर तोड़ देता, लेकिन तुझे तो बॉस हैंडल कर रहे हैं ना, अब तेरी लाइफ इनके हाथ में। चल बोल, कैसेट कहाँ है? वो कैसेट बोल कहाँ है? इन सबको तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है, क्यों पता है? इनके काम में तुम दखलंदाजी कर रहे हो, गुस्सा आने पर ये छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, समझे? समझे? तो जिस फैमिली की रक्षा करना चाहते हो, उस फैमिली को जिंदा रखना है, तो वो कैसेट हम लोगों को दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। तुमसे कह रहा हूँ, दे दो, दे दो। सत्या, हमारे लिए तुम खतरा क्यों मोल रहे हो? इन्हें जो कुछ चाहिए इन्हें दे दो सत्या। नहीं, नहीं सत्या, इन्हें अगर छोड़ दिया तो पता नहीं कितने मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम समझते क्यों नहीं संध्या? तुम्हें पूछे गए सौ सवाल का जवाब वहां से आ रहा है। उनकी रक्षा करने के लिए तुमने बहुत तकलीफ उठाई ना। यू बास्टर्ड! सेंटीमेंट। थैंक्स। किस्मत बहुत ही अच्छी है तेरी। चल बे, उठ उठ। देखिए, गुरु नाम का एक इंस्पेक्टर है, वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इसीलिए वो हमारे डिपार्टमेंट का हीरो है। उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे बारे में वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उसका इंतजाम मैंने कर दिया है, बड़ी समाधि बनाएंगे उसकी। तुम यू डोंट वरी। मैं वो नहीं कह रहा। यू डोंट वरी, पहले वो कैसेट हमारे हाथ आनी चाहिए। कैसेट आनी चाहिए। ओके ओके ओके। पर हाथ तो खोल के देख, फिर बताता हूँ तेरे को। हिम्मत है? Oh!
सर अंदर क्या हो रहा है मालूम है आपको? छोटे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, पुलिस भी मिली हुई है और उन पे इतना जुल्म हो रहा है कि आप... मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट के कुछ गंदे लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। आओ मैं हूँ। मैं तुम सबको बचाने आया हूँ, आओ। ए, शानाबंदी करेगा ना तो घोप दूंगी तेरे को। ए, बैठ चल, चल। क्या रे, नाटक करने आया है यहाँ? हाँ, बोल। कोई बात नहीं, आओ तुम सब, चलो। हाँ, चलो, चलो जल्दी, चलो, जल्दी चलो यहाँ से। नहीं, पुराने को पता नहीं, चलो जल्दी, चलो यहाँ से। तुरंत चलो। थैंक यू। चलो 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 चलो, आओ जल्दी आओ। बच्चे के साथ इस रूम में ही रहिए आप। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। आप रुकिए, कुछ नहीं होगा। सर आप ऊपर की तरफ देखिए, वहां कुछ लोग हो सकते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ। चलो। Hey, hey!
इधर आ। प्लीज। प्लीज सुन। मुझे किस तरह से झुकाना है ये मुझे अच्छे से पता है। तुम इन सबको बचाने के लिए आए हो, तुम्हारे आंखों के सामने इसे मार दूंगा। कैसे बचाते हो देख लूंगा। बचाओ इसे, बचाओ, बचाओ इसको, देखता हूँ। मार दूंगा। जूनियर, मैं सीनियर हूँ बेटा। तुम गन के साथ खेलते हो ये मुझे अच्छे से पता है, मेरी मदद कीजिए। लेकिन मेरे साथ मत खेलना। तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। भला इसी में है कि सरेंडर कर दो। तूने गन नीचे रख दी? ये मुझे मार डालेगा। तुम हाथों से ही नहीं पैरों से भी गन चला सकते हो। तुम कमीने हो, गन इधर फेंको। प्लीज हेल्प मी। अदरवाइज आई विल शूट हर। गेट अप, गेट अप, गो गो। गुरु वेलकम। तू लाइसेंसी गुंडा, मैं बगैर लाइसेंसी गुंडा। अब तो तुझे मरना है। तू उसकी गोली से मरेगा या मेरी गोली से, डिसाइड कर। मेरे साथ चलो। गो। अरे वो देखो हमारी बच्चियां। सत्या, हमारी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। शुक्रिया। ऐसी परिस्थितियों में हर कोई ऐसे ही करता है। और सर को बुलेट लगी है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, जाइए। थैंक यू वेरी मच सत्या। थैंक्स अंकल। ओके बेटा, चलो बेटा। थैंक्स सत्या। सर, इस केस में किसी पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर का हाथ है, आप क्या कहते हैं? आप जिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं उसकी लाश ऊपर पड़ी है, आप खुद जाकर देख लीजिए। प्लीज वेट सर, पुलिस का कोई बड़ा ऑफिसर इस मामले में इन्वॉल्व हो, ये तो बहुत अजीब सी बात है ना सर। कितने एनकाउंटर हुए हैं सर? कितने एनकाउंटर हुए हैं यही पूछ रहे हो? क्यों हुए हैं ये नहीं पूछ रहे हो क्यों? अब तक आपने एनकाउंटर किए हैं राउडीज और माफिया वालों के, लेकिन अब ये आपके सीनियर्स के एनकाउंटर। जुर्म करने वाला ना तो सीनियर है ना सिटीजन, मेरी गन से जवाब सभी को एक जैसा मिलता है। आपको शूट आउट का ऑर्डर कलेक्टर ने दिया था या कमिश्नर ने? ये मैटर चारों तरफ फैल गया। ये है कैसे? ये है कैसे? हमें दे सकते थे। ये कैसेट सभी चैनल्स को पहुंचा दी गई है, पब्लिक के सामने आ जाएगी। मैंने ही पहुंचाई है। ये है ओरिजिनल, डुप्लीकेट उनके पास है। एविडेंस ओके, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट का मैटर है। ये पब्लिक मैटर है। न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया इन लोगों ने। मेरी नजर में मैंने जो सजा दी है वो करेक्ट है। अगर डिपार्टमेंट की नजर में मैंने जो किया वो गलत है तो जो भी सजा मिलेगी मंजूर है। नहीं, डिपार्टमेंट अगर पिस्तौल देती है तो आपकी रक्षा के लिए नहीं, हमारी रक्षा के लिए। अगर हम पर जुल्म होता है तो यही बचाता है। अगर इस पर विपदा आई तो हम हैं इनके साथ। पुलिस का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ इन्वेस्टमेंट इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। पुलिस में तुम जैसे बहुत से लोग हैं, व्यवस्था में कानून की सही पहचान बनाने में एक अंकुश का काम किए हो। पुलिस हिस्ट्री में द रियल हीरो हो तुम। कीप इट अप।